बुलेट या फिर हार्ले, नीचे एक बार कमेंट कर दो। गाइस हार्ले की आपको आवाज सुनाने वाले हैं। ये भाई 22 लाख रुपए की नई आती थी भाई, ये देखो कितनी खतरनाक गाड़ी लग रही है। अभी गिर जाते हैं आप भाई, ये देखो पानी के अंदर। 114 की टॉर्क है। साइड के लिए स्विच देखो, कितनी बढ़िया जगह पे लगा हुआ है, देख रहे हो। हमारा दोनों बाइक की तरफ मूड बन रहा है, कैसी लग रही है जाना, पीछे से कितनी बढ़िया लग रही है। लो जी गाइस, आपको आज फादर साहब के भी दर्शन कराते हैं, पापा भी आ चुके हैं बीएम लेके। पूरा समुंदर है ये देखो भाई, अरे भाई पूरे जूते वूते सब गीले हो गए। वो अपने टर्बन बांध के मुंह पे गोप्रो कैसे लगा सकते हैं और जिससे आवाज भी बढ़िया आएगी, आज आपको वो भी चीज बताने वाले हैं। आंटी जी को देखो, वो देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, सब सलवारें उठा के खड़ी हुई हैं आंटियां। अरे भाई रुक जा भाई, अरे भाई डूब गया भाई पूरा शोरूम, भाई पूरी मर्सिडीज डूब गई, वो देखो पूरी मर्सिडीज डूबी पड़ी है भाई, पानी देख रहे हो। निकल चुके हैं अपने हाया भूसा को लेके, आज जाया जा रहा है गाइस करोल बाग, वहाँ पे बात हुई है अपने एक दो डीलर भाइयों से, तो आपको मैं नाम नहीं अनाउंस करूंगा, वो देखने के लिए जा रहे हैं। उनके पास हार्ले भी है, डुकाटी भी है, टेनार भी है, वहाँ पे चल के देखते हैं कि भाई क्या डील मिलती है। आज हमने ना फाइनल करनी है, बारिश थी मैंने पहले दो बारी बाइक निकाली, फिर मैं गाड़ी लेके निकला, फिर गाड़ी लेके निकला, फिर अपने मोहल्ले में देखा कि ट्रैफिक है तो इसलिए मैंने गाड़ी नहीं निकाली। भाई बिल्ली दिखा दो बारिश में, पकड़ के बैठो बिल्ली मार दो बारिश। भाई इसको भी चलाने की ना एक ट्रिक है, बहुत अग्रेसिव बाइक है ये। बाइक के अंदर आप ना अपने हिसाब से बढ़िया वर्क करवाते हो ना, इसके अंदर मैंने डीएनए का फिल्टर लगाया हुआ है 12-15 हजार रुपए का, तो उससे कि फ्लो बढ़िया मिलता है, आवाज भी अच्छी हो जाती है और परफॉर्मेंस में भी फर्क आता है। ये ट्रैफिक देख लो भाई, इसलिए गाड़ी नहीं लेके आया, और मुझे जहां तक लग रहा है मेरा कैमरा भी गीला हो गया है। बारिश अभी अभी रुकी है रिसेंटली, बस मतलब अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी पीछे, बट मैं लेके निकल गया बाइक, मैंने कहा थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। भाई पानी देखो, अरे भाई डूब गया भाई पूरा शोरूम, भाई पूरी मर्सिडीज डूब गई, वो देखो पूरी मर्सिडीज डूबी पड़ी है भाई, पानी देख रहे हो। भाई होंडा का शोरूम पूरा डूब गया, वो देखो पानी से। भाई आज तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, इससे पहले अंधेरा पड़े हम फटाफट निकलते हैं करोल बाग की तरफ। और उनसे बात हुई है, उनको मैंने 5 बजे का टाइम दिया था, बारिश ने थोड़ा काम खराब कर दिया, और भाई फिर भी भगवान ने लिखा होगा तो भाई कल ही आ जाएगी बाइक, और डील हो गई तो। पब्लिक डिमांड पे भी एक बाइक आ रही है, जो सिर्फ पब्लिक जो पसंद करती है वो चीज भी हमें लेनी पड़ती है। आंटी जी को देखो, वो देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, सब सलवारें उठा के खड़ी हुई हैं आंटियां, देख रहे हो भाई बस का वेट कर रहे हैं। आज तो भाई बहुत ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि ना दिल्ली में बारिश बहुत ताबड़तोड़ पड़ रही है। चल भाई ये क्या रुका हुआ है, गैस अभी फुल कराई थी, हाफ हो गई है भाई। हायाबुसा भाई पेट्रोल बहुत पीती है, और जो बाइक अब ले रहा हूँ ना वो इनलाइन 4 इंजन है, बट वही है कि उसकी थोड़ी सी ना एवरेज अच्छी है इससे। वो देखो भाई नई वाली स्विफ्ट देखो भाई, बारिश का पानी देखो कितना खड़ा हुआ है। अपना आज यूज करा है मास्क जो कि टर्बन के ऊपर पहनते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी इंक्वायरी दूंगा आज, क्योंकि काफी ना भाई हैं जो बुलेट पे ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे एल्डर्स हैं 35-40 साल एज है उनकी, भाई उन्होंने बोला था कि भाई तुम टर्बन पे उसके ऊपर कैसे गोप्रो लगाए, तो भाई आज मैं जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि जो गोप्रो है कोई भी अपने भाई हैं सरदार भाई हैं पंजाबी भाई हैं टर्बन बांधते हैं, वो अपने टर्बन बांध के मुंह पे गोप्रो कैसे लगा सकते हैं और जिससे आवाज भी बढ़िया आएगी, आज आपको वो भी चीज बताने वाले हैं। ऊपर लिंक दिया जाएगा कि आप वहां से परचेज भी कर लो घर पे बैठे बैठे, बहुत सस्ता सौदा है, मुश्किल से 300 या 400 रुपए की आइटम है, जो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ 300-400 रुपए के अंदर तुम्हारी टर्बन के ऊपर गोप्रो लग जाएगा। अरे भाई रुक जा भाई, अभी पूरा गीला कर देता भाई, हट जाओ। अरे भाई अधूरी, अरे भाई आराम से गीले हो जाएंगे भाई, अरे क्या कर रहे हो यार, हट जाओ यार अभी गिर जाते हैं आप। भाई ये देखो ट्रैफिक भी है और बारिश अभी अभी आके रुकी है, तो बोला कि दो बाइक्स आने वाली है, एक तो गाइस आज ही फाइनल कर देंगे। कल जीप कंपस आई है, नहीं भाई बहुत सुंदर गाड़ी, रेंज रोवर बना दी इन्होंने तो, पूरी जो विलार है ना भाई पूरी विलार लगती है, और अंदर से भी बहुत बढ़िया इंटीरियर बना दिया भाई। जीप कंपस जो नई आई है ना सीरियसली पूरी लग्जरी कर दी गाड़ी पूरी। भाई सजेशंस मेरे से ले लिया करो भाई, किसी ने भी कोई भी गाड़ी लेनी हो ना, तुम्हारे भाई को ना पूरा ज्ञान है, पेट्रोल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, 7 सीटर 5 सीटर मतलब गाड़ियों का पूरा ज्ञान है तुम्हारे भाई को। बाकी मैं ऑनलाइन वो बिजनेस दिखाना नहीं चाहता, बाकी बहुत जल्दी वो भी लेके आएंगे भाई। ये देखो यहाँ पे भी पूरा पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर फिर आया भूसा जा रही है भाई, वही चीज है कि भाई देखो फिर भी निकले हैं आपके लिए कि भाइयों को अपने ना वीडियो डेली आनी चाहिए। पूरा समुंदर है ये देखो भाई, अरे भाई पूरे जूते वूते सब गीले हो गए भाई, आराम से भाई देखो पूरे समुंदर में आया भूसा चल रही है अपनी, और आराम से हेलो आराम से स्प्लेंडर, कमाल हो गई भैंसो, ज्यादा जल्दी हो रही है लग रहा।
और भाई पीछे बैठा हुआ है, तो भाई की टी शर्ट बचाने के लिए मैंने बैग टंगवा दिया, पर बैग के अंदर 10 पेटी पड़ी हुई है, ये सारे पैसे गीले हो जाए। तो आज ही हम बयाना वगैरह करने वाले हैं भाई। बाइक में ना हायाबूसा हो गई, कोई भी बाइक ना मतलब बारिश में ना कैपेबल नहीं होती, पर ये है कि हायाबूसा का ना थोड़ा सा, ये देखिए खड़ी गड्डी हो रही, बगैर पीछे मर्सिडीज खड़ी थी जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पे लगा भी दूंगा, बहुत लाउड गाड़ी है वो, पूरी जेट खड़ी हुई थी। कोई भी बाइक लो 1000 आ रहे हैं, कोई भी बाइक, कभी भी बारिश में बाइक चलाओ तो रेन मोड जरूर लगाना कि ट्रैक्शन ज्यादा पकड़ेगी, बाइक स्लिप नहीं होगी, और कोशिश करिए बाइक को आराम से चलाइए, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से और मुझे 15 मिनट लगने वाले हैं करोल बाग के लिए, पूरी BMW जैसी बना दी भाई होंडा सिटी वालों ने भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, स्पॉइलर भी लगा दिया, पिछली लाइट देखो बिल्कुल सेम, बम्पर वम्पर सब BMW की कॉपी कर दी पीछे से। सबसे पहले ना BMW वालों की कॉपी करी थी वरना ने, तो वरना के ऊपर तो केस भी चला था, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो भाई गूगल कर लो, BMW वालों ने केस कर दिया था वरना के ऊपर जब वरना आई थी, वरना बहुत बिकी थी इनकी। उसके बाद अभी होंडा सिटी इन्होंने कॉपी मार दी पीछे से, मतलब BMW से टच की गाड़ियां निकालते, कभी भी आप होंडा की गाड़ियां देखोगे ना आपको थोड़ी टच की मिलेंगी। और ये पोर्शे की कॉपी करी थी डिजायर वालों ने, स्विफ्ट वालों ने, ये देखो पोर्शे जा रही है ना, इन्होंने आगे वाला हुड है ना स्विफ्ट जो इनकी नहीं आई है इसका देख के बनाया, हाइट्स हो गई और बोनट हो गया थोड़ा, उसके हिसाब का ना कॉपी करके बनाया, जैसे कि थार वाले कॉपी करते हैं रूबीकॉन को। आपकी फेवरेट सुपर बाइक कौन सी है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था भाई, 5 मिनट के अंदर ना हायाबूसा के सबसे कम वोट थे, 3rd gen हायाबूसा नहीं सुपर बूसा लगाई थी, और सबसे ज्यादा वोट आए वो आए 10R के। तो भाई बहुत कमेंट्स कर रहे थे कि भाजी R1 लो, तो भाई मेरे अभी तक उस वीडियो पे 200 कमेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से 150 कमेंट 10R के हैं और 50 कमेंट उसके अंदर R1 के हैं। इंस्टाग्राम पे डाला कि भाई चलो एक बार लोगों से पूछ लिया जाए कौन सी फेवरेट बाइक है, वही ले लेंगे, क्योंकि मुझे ना R1 भी मिल रही थी एक, तो भाई मैंने वहां पे डाला, तो 10R के सबसे ज्यादा वोट थे इंस्टाग्राम पे और हायाबूसा के सबसे कम, और उसके बाद R1 के थे। तो भाई हायाबूसा पे तो अब आपको वीडियोस देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि लोग नहीं लाइक कर रहे, बट अपने को अच्छी लगती है हायाबूसा। अरे भाई ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है इधर, आपको पता BMW के भी काफी वोट्स थे, 10R से भी ज्यादा BMW के वोट्स थे, बट आपको पता है BMW पे तो मैंने काफी बहुत वीडियोस बनाई हुई है, 2 बारी तो BMW रख चुका हूँ, मतलब पिछले 4 साल से BMW है मेरे पास, आ रहा है मैं दोनों का देख के, पब्लिक डिमांड पे एक बाइक आने वाली है, और बाकी हायाबूसा भी रहेगी, और हायाबूसा पे व्लॉग्स नहीं देखेंगे आपको, वोट करके नीचे बताओ दोबारा, ZX 10R ले या R1 ले, एक के कमेंट सबसे ज्यादा होंगे वो बाइक आ जाएगी, आप चाहे नीचे कमेंट करके देख लो। और 2 बाइक से एक बुलेट और एक हार्ले, भाई ये दोनों बाइक में से कौन सी ज्यादा कमेंट होंगे वो बाइक आ जाएगी। तो गाइस फटाफट नीचे कमेंट करो भाई, इग्नोर मत करना इस वीडियो को भाई, कमेंट करना है आपके लिए वीडियो आने वाली एक नंबर खतरनाक। तो भाई जो हमारे 1.5 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता है कि भाई हमारी जो वीडियोस होती थी सबसे डिफरेंट होती थी, जो सबसे पहले रैपिंग का सीन है वो तुम्हारा भाई लेके आया था इंडस्ट्री में रैप करवाना, नहीं तो लोग डरते थे कि पेंट ना उतर जाए बाइक का, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव बाइक्स होती थी। उसके बाद गाइस रैप के बाद भाई तुम्हें पता है कि संडे राइड पे ट्रैक करते थे, और भाई सब बाइकों को मैं फाड़ के रख देता था BMW से, चाहे वो लॉन्ग के अंदर हो चाहे शॉर्ट के अंदर हो। तो भाई अब भी एक ऐसी एक नई चीज आने वाली है कि आपको देखेंगे तो भाई आपको बहुत मजा आएगा। U1 मोड लगा लिया, सबसे कुत्ता मोड है ये देखो गाइस, मैंने इसमें बिल्कुल ट्रैक्शन ऑफ करा हुआ है, Power 1 पे करी हुई है, मतलब जिसको भी हायाबूसा लेनी है या पावर के मजे लेना चाहता तो ये मोड लगा दो भाई, ये देख लो दोबारा, मैंने U1 पे सेट करा हुआ है, ये मैंने अपने हिसाब से लगाया हुआ है, इसमें ट्रैक्शन ऑफ हो जाता है, इंजन ब्रेकिंग बंद हो जाती है, सब चीजें हो जाती है, बाइक इतनी अग्रेसिव हो जाती है ना BMW को भी पीछे कर देती है भाई। अब इस टाइम पूरी पावर खुली हुई है, यहाँ पे बारिश नहीं इसलिए, अब भाई आपको एक व्हीली दिखाते हैं, भाई पावर देख लो कितनी है, डबलिंग में हूँ मैं, Insta360 लगा होता तो आपको दिखता। वहां पे स्पीड ब्रेकर है गाइस, साउंड कैसा लगा कमेंट करके बताओ एक बार, आवाज बताओ कैसी है भाई, बहुत खतरनाक आवाज आती है देखो अभी तो। भाई बहुत पावर, आवाज के नजारे लो तुम भाई, आवाज कैसी लगी भाई, ये चीजें ना आपको जो नई सुपर बाइक आ रही है उसमें पटाखे नहीं सुनेंगे इसके, भाई गियर शिफ्ट पे इतने बढ़िया पटाखे आते हैं ना, क्विक शिफ्टर इसका बहुत सुंदर है,
हैवी मटेरियल लगाओ इसमें, बाकी यार बाकी बाइक्स में ना थोड़ा सा कम है हिसाब किताब। भाई ये देखो सामने वर्टस, भाई ये भी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी मुझे, वॉल्सवैगन की वर्टस है गाड़ी। अपना भाई है कोई, उसने लोरा लिया भाई पेट्रोल। भाई किसी को भी ट्रैक करनी है किसी भी गाड़ी के साथ तो भाई एक बार याद कर लेना भाई, BMW को पीछे फेंक देती है लोरा, ये लगा लो। चलो भाई तो पहुंचने वाले हैं करोल बाग, बारिश यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है। रस से निकला था इधर साइड पहुंचा हूँ करोल बाग साइड। भाई ये देखो बिल्कुल भी यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई भाई, इधर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, बिल्कुल बारिश नहीं। सड़कें देखो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। वहाँ पे आपने हालत देखी होगी थोड़ा सा पहले, 5 मिनट पहले जब मेरा ब्लॉग चल रहा था भाई पूरा गीला हो पड़ा था ऐसे। भाई देखो दिल्ली इतनी छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है दिल्ली, पर इसके अंदर भी होता है कि इसी जगह पे बारिश आ रही है और किसी जगह पे बारिश नहीं आ रही। बस पहुंचने वाले हैं मुश्किल से 5 मिनट में, फिर वहां पे जाके कैमरा ऑन करेंगे। मौसम बहुत बढ़िया हो पड़ा, मौसम बहुत बढ़िया नहीं यार भाई, हवाएं इतनी सुंदर चल रही है ना। इंस्टाग्राम पे पता नहीं कुछ छोटा सा ग्लिच चल रहा है भाई, मेरे ना 5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं बट वो ना 4,95,000 पे रुक गए और बाहर शो हो रहे हैं 484-483 ऐसे शो हो रहे हैं। सब्सक्राइबर ना फॉलोअर्स बाहर नहीं बढ़ रहे, अंदर बढ़ रहे हैं, अंदर बढ़ चुके हैं क्योंकि मेरी एक्चुअली वीडियो मेरी 12 मिलियन गई थी, उसके अलावा मुझे फॉलोअर्स भी बहुत आए बट बाहर नहीं शो हो रहे, बाहर कम हो रहे हैं। ये ग्लिच मेरे साथ ना 1 लाख फॉलोअर्स है ना तब भी हुआ था भाई, ये देखो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मतलब जब मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे ना तब भी ये सीन था कि बाहर शो हो रहे थे 95,000 और अंदर 1,05,000 हो चुके थे, मैं तब लंदन में था। और उसके बाद आज हुआ है कि 5 लाख नहीं शो हो रहे, तो भाई किसी को इसके बारे में नॉलेज है तो बताऊं। और गाइस इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी नहीं आ रहे, मतलब मैसेजेस भी आने बंद हो गए, रिक्वेस्ट मैसेजेस। तो भाई तुम्हारे साथ भी ये सीन हो रहा है तो मुझे बताओ यार एक बारी। फोन आ रहा है पापा का, हाँ डैडी पापा का भी कॉल आ रहा है भाई। ये रहा लेफ्ट साइड पे करोल बाग, बट ये करोल बाग की बैक साइड है जो शॉप है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये खड़ी भाई अपनी BMW, पापा अंदर ही आ जाओ आ जाओ। वैसे पापा आ चुके हैं BMW लेके, बुला लिया था, कहते कि मैं भी आऊँगा, बाइक मुझे दिखाओ कौन सी है, क्योंकि भाई फेवरेट बाइक ना यही है, मुझे यही है। बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच चुके हैं। सत श्री अकाल जी, लगा दो उतरी, बोल दी उतर के बोल दी यार पापा ने, बोलिए इधर लगा लेना गड्डी। सत श्री अकाल भाजी, की हाल है जी, और ठीक ठाक जी। गाइस आ चुके हैं हम सरस्वती मोटर्स पे पाजी के पास, और गाइस ये सारी इनके पास बाइक्स खड़ी हुई हैं। पाजी यार बारिश बहुत करवाई है आपने आज, मैं 1.5 घंटा लेट हो गया इसी चक्कर। मौसम बढ़िया हो गया, पर मौसम बढ़िया हो गया ना। हेलो गाइस, हाँ जी आ गया बस। सो गाइस पापा भी आ चुके हैं, बीएम वहाँ लगाते हैं और अंदर जाके ना बात करते हैं। लो जी गाइस आपको आज फादर साहब के भी दर्शन कराते हैं, पापा भी आ चुके हैं बीएम लेके। बस ठीक है ठीक है ठीक है, तो आगे करवा दो थोड़ी जी, कर दो आगे पाजी, नहीं कर दो थोड़ी जी, नहीं है ना गाड़ी थोड़ी ना, गड्डी हमें करके लगाओ तुम, लगा दो थोड़ी हमें करके लगाओ गड्डी, क्योंकि ना पिछों कोई रगड़ जाएगा नहीं। दे भाई आ चुके हैं शॉप पे, और गाइस ये सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं इनके पास, इनके पास सारा स्टफ खड़ा हुआ हार्ले का। ये देखो भाई ये भी बहुत सुंदर लग रही है ये भी गाड़ी, अभी गाइस ये चेक कर लीजिए हार्ले जो कि बॉब, इसकी आवाज सुनाने वाले हैं भाई हमें। और गाइस ये भाई 22 लाख रुपए की नई आती थी भाई, ये देखो कितनी खतरनाक गाड़ी लग रही है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई हार्ले की। ये देखो आवाज कैसी लगी एक बार बताओ यार, कैसी लगी बहुत सुंदर आवाज आ रही है हार्ले की, एक बार ना आपको मैं बैठ के दिखा दूं कैसी लुक आ रही है। लाइट के लिए स्विच देखो कितनी बढ़िया जगह पे लगा हुआ है, देख रहे हो आगे लाइट, आगे जाके लाइट दिखाओ भाई, लाइट चेक करो जरा। गाइस बुलेट या फिर हार्ले नीचे एक बार कमेंट कर लो, तो 14 की टॉर्क है और गाइस इसकी टॉप स्पीड है 160। हम अगर चलो हार्ले लेते हैं भाई के पास, हम देखने आए थे ये खड़ी हुई टैनर, आवाज सुनो टैनर की। टायर उसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए दिए हुआ है, डबल एग्जॉस्ट दिए हुए हैं, साइलेंसर दिए हुए हैं, चेक करो। आगे से इसकी लाइट देखो कितनी बढ़िया है, आगे आ रही है, फ्रंट की लाइट देखो इसकी कितनी सुंदर है, आगे में बहुत बढ़िया लगती है। 2 hours later तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं करोल बाग से, और गाइस अब जा रहे हैं बैक टू टाउन। और गाइस कौन सी बाइक फाइनल करे भाई, नीचे एक बार कमेंट करके बता दो, हार्ले या फिर बुलेट। गाइस कैसी लगी आवाज, पटाखे सुन रहे हैं गाइस, इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, आई लव यू।